नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों को मिला तोहफा, मानदेय में बढ़ोतरी आदेश हुए जारी, इतना बढ़कर आएगा कर्मचारियों का वेतन। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि किन कर्मचारियों को सरकार से बड़ा तोहफा मिला है और उनके वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए आ गई है अच्छी खबर। उनके मानदेय को बढ़ा दिया गया है, इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं जिससे कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा होगा। कृषि एवं उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग के दैनिक कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय ले लिया है। यह निर्णय उनके निर्देश पर हुआ है जो कृषि और उद्यान क्षेत्र में कार्यरत लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसके साथ ही अधिकारियों ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस निर्णय के अनुसार दैनिक कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। पूर्व में अकुशल कर्मचारी का मानदेय 8,213 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया गया है। अर्धकुशल कर्मचारी का मानदेय भी 8,778 रुपये से बढ़ाकर 12,933 रुपये हो गया है। साथ ही कुशल कर्मचारी का मानदेय 9,370 रुपये से बढ़कर 13,365 रुपये हो गया है। इसी तरह से लिपिक वर्गीय कर्मचारी का मानदेय 10,328 रुपये से बढ़कर 14,093 रुपये हो गया और श्रेणी क और ख के कर्मचारी का मानदेय भी 9,611 रुपये से बढ़कर 13,551 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों, यह निर्णय उत्तराखंड सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। वह कृषि और उद्योग क्षेत्र में कार्यरत लोगों के हित के कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे कर्मचारियों को न केवल उनके मेहनत एवं योगदान के अनुसार सम्मान मिलेगा बल्कि उनके परिवार को भी भरण पोषण सुनिश्चित होगा। गणेश जोशी की नेतृत्व में कृषि और उद्यान मंत्रालय ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो किसानों और औद्योगिकों की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इसे कर्मचारी के उत्सव और सक्रियता में वृद्धि होगी जो क्षेत्र के विकास के साथ होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।